फ्रेंड्स 12 रो उल्टे साइड से निकाल के फिर हम 13 रो पे आ गए। अब देखिए 13 रो कैसे बनाएंगे। एक तो स्लिप किया, अब हमारे पास यहाँ पे एक भी फंदा सीधा नहीं बचा है। अब हम डायरेक्ट अपना ये दो का दो फंदा बनाएंगे। एक ये फंदा लूप का बन गया और बैक साइड से ऐसे करके ये हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब फिर से दो फंदों का बीच से एक लूप निकाला और ये बैक साइड से दो का एक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब धागा अपने साइड करेंगे और छह फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे हमारे उल्टे बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब धागा पीछे करेंगे। अब फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, दो का दो फंदे बनाएंगे, एक लूप से बनाएंगे और एक बैक लूप से दो का एक करेंगे। तो ये दो फंदे हमारे रेडी हो गए। अब फिर से दो का एक करेंगे, बीच से डालेंगे फंदा दो फंदों को पीछे से और बैक लूप से ये दो का एक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब छह फंदे फिर उल्टे। ए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स यही बार बार हमारा आपका जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है यही फंदे फिर से रिपीट होंगे। 10 फंदे ये, फिर 10 फंदे का एक पैटर्न, तो ये हमारे दो पैटर्न बन के रेडी हो गए। तो अब हम फिर से पूरी सिलाई 14 जो है रो उल्टे साइड से उल्टी निकाल के आपको दिखाते हैं।